जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, 16 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन सूर्य देवता 11:29 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि से निकलकर, और यहां पर वो 16 अगस्त 2024 शुक्रवार तक यही वास करने वाले हैं। अब सूर्य ग्रह का यह कर्क राशि में प्रवास जो है, किस प्रकार से हम सब विभिन्न राशि वाले लोगों को प्रभावित करेगा, इस बात की चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश ऋषि आज स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में पुनः उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि मैं आपको सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के बारे में, कि वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, उसके बारे में एक एक करके विभिन्न राशियों की चर्चा करूं, उससे पहले मैं आसमान में उपस्थित विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस समय सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे थे, उस समय आसमान में विभिन्न ग्रहों की क्या क्या स्थिति थी। उस समय आसमान में कन्या लग्न उदय हो चुकी थी, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान थे, चंद्र देवता तुला राशि में विराजमान थे, शनि महाराज कुंभ राशि में अपनी राशि में विराजमान थे, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान थे, बृहस्पति देवता या बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में विराजमान थे, मंगल ग्रह भी वृषभ राशि में ही विराजमान थे, और बुध देव यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह कर्क राशि में विराजमान थे, जहां पर कि मिथुन राशि से निकलकर सूर्य ग्रह भी आकर विराजमान हो गए हैं। इस बात की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, उस सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर अपने जीवन में परेशान है, तो वह बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर ऑफिस टाइम में कॉल करके, यानी सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे से पहले कॉल करके मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि से या स्वामी राज ऋषि से घर बैठे ही वीडियो कॉल पर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, या फिर पर्सनली शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर हमसे मिल सकता है, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर जो अपॉइंटमेंट का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके अपने आप ही अपनी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। मेरा नाम रश्मि है, मैं हरियाणा से हूँ, और मेरा जो मेरे पति के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। मैं यूट्यूब देखती थी तो मैंने एक दिन कृष्ण जी का वीडियो देखा, कि मैंने उसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद गुरु जी ने मुझे एक लॉकेट भेजा, लॉकेट पहनना शुरू किया और गुरु जी के बताए हुए उपाय मैंने किए, सब कुछ ठीक हो गया। गुरु जी, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देवी जी, वृषभ राशि यानी टॉरस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के लिए ये जो शुक्र सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है, वो उनके बाहुबल में वृद्धि करने वाला हुआ है। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने वाला हुआ है, उनकी मदद से जीवन में उन्नति और तरक्की कराने वाला हुआ है। निश्चित रूप से आपका बाहुबल, आपकी हिम्मत, आपका साहस आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो आपको सरकारी नौकरी दिलाए, प्रमोशन इंक्रीजमेंट और मनचाहा ट्रांसफर दिलाए, सरकार में मंत्री पद दिलवा दे, या फिर किसी समिति का अध्यक्ष बनवा दे। तो ऐसा शुभ समय
बार बार नहीं आता है, इस शुभ समय का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करिएगा अपने जीवन में, ताकि आप निरंतर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते रहें। किंतु जो वृषभ राशि वाले इस शुभ समय पर भी परेशान हैं, दुखी हैं, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि यह सब कुछ जो हो रहा है ना, आपकी जन्म कुंडली में जो खराब ग्रह बैठे हुए हैं उनकी वजह से हो रहा है, और वो इन अच्छे ग्रहों को फल को भी जो आपको शुभ फल देने आए हैं, सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव, वो फल भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो रास्ते में ही आपके सारे अच्छे फल खा जाते हैं। आप बिना किसी झिझक के घर बैठे मुझसे वीडियो कॉल पर बात करें, या स्वामी राज ऋषि से वीडियो कॉल पर बात करें, या यहाँ आकर पर्सनली हमसे मिलें और अपनी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही वो सभी व्यक्ति जो शादी योग्य हो चुके हैं, वो बिना किसी झिझक के हमारी शनि पीठ मंदिर की मैट्रिमोनियल जो सर्विस है और उसकी जो वेबसाइट है marriagebiodata.app, इस वेबसाइट पर जाकर अपनी शादी के लिए खूबसूरत सा बायोडाटा बना सकते हैं और उसी के आधार पर एक सुयोग्य जीवन साथी को, मनवांछित जीवन साथी को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जय शनिदेव।